तो दोस्तों आज हम राजस्थान हाई कोर्ट LDC के लिए 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा माने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि अदरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो आपको याद रखना है यह विशेषता है बाड़मेर की। अगला सवाल है कि देश हितेशनी सभा की स्थापना 1877 में कहाँ की गई? तो आपको याद रखना है यह की गई थी उदयपुर में। ठीक है, तो कौन सी सभा की स्थापना की गई? देश हितेशनी सभा की स्थापना की, कब? 1877 में, और कहाँ पर की गई? उदयपुर में। अगला सवाल है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको याद रखना है यह करवाया गया था स्वाई जयसिंह द्वारा। ठीक है, किसका निर्माण? जंतर मंतर का निर्माण। अगला सवाल है कि किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर के दुर्ग को। ठीक है, जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक या सेनापति द्वारा निर्मित किया गया? तो आपको याद रखना है यह है सारणेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, सारणेश्वर महादेव का मंदिर है जो जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक या सेनापति द्वारा निर्मित किया गया है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना है वह शहर है झालरापाटन। ठीक है, झालरापाटन ऐसे एक ऐसा शहर है जिसे घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि पश्चिम राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है बाढ़ग्रस्त जिला है कौन सा, बड़ा कर देते हैं तो आपस में पढ़ते हैं कि पश्चिम राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है वह जिला है बाड़मेर। ठीक है, छोटा कर देते हो आपस में। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो आपको याद रखना है यह पूजा की जाती है बछ बारस को। ठीक है, बछ बारस को गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। अगला सवाल है कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो आपको याद रखना है भगत पंथ का संस्थापक था गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सिरोही जिला। अगला सवाल है कि लहरिया या ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो यह ओढ़ा जाता है श्रावण मास में। ठीक है, तो क्या ओढ़ा जाता है? लहरिया या ओढ़ना। अगला सवाल है कि राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो कौन सा स्थल? कालीबंगा। अगला सवाल है कि मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्तर पर लड़ा गया? तो यह स्थल था सुमेल। ठीक है, सुमेल गिरी का युद्ध हुआ था और किनके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह के मध्य, और कहाँ पर हुआ था? सुमेल में हुआ था। अगला सवाल है कि राजपुताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आपको याद रखना है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी आमेर राज्य ने। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो आपको याद रखना है यह कहा जाता था डूंगरपुर राज्य के शासक को। ठीक है, डूंगरपुर राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था। अगला सवाल है कि 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो आपको याद रखना है यह था मेजर बर्टन। ठीक है, जो कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला सवाल है कि राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, तो कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का विलय किया गया, किसमें? राजस्थान में। अगला सवाल है कि 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा नरेंद्र मंडल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है यह उद्घाटन किया गया था दिल्ली में, और कब किया गया? 8 फरवरी 1921 को। अगला सवाल है कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है यह अभयारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, कौन सा अभयारण्य? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। अगला सवाल है कि ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल
में नमी की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है, तो आपको याद रखना है यह होती है 1%। ठीक है, नमी की मात्रा कितनी होती है? 1%। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है तथा मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, तो वह नदी कौन सी है? सुकड़ी नदी। ठीक है, सुकड़ी नदी वह नदी है जो शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है तथा मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। किस नदी को? सुकड़ी नदी को। अगला सवाल है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था, तो आपको याद रखना है यह था विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक था जो राजस्थान का निवासी नहीं था। अगला सवाल है कि घग्गर नदी के किनारे स्थित तलवाड़ा झील की सर्वाधिक नीची झील है, जो राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील है, वह किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कौन सी झील? तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है और किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया, तो आपको याद रखना है यह करवाया था गुमान मल ने। ठीक है, गुमान मल ने 5 पटवा हवेली का निर्माण किया था, कहाँ पर? जैसलमेर में। और किसने किया था? गुमान मल ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, तो आपको याद रखना है रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा है जो पशु मेला नहीं है, बाकी तीनों नागौर, पुष्कर और तिलवाड़ा ये तीनों पशु मेले हैं, लेकिन रामदेवरा है जो पशु मेला नहीं है। अगला सवाल है किसे 1974 में ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो आपको याद रखना है यह दिया गया था कृपाल सिंह शेखावत को। ठीक है, और किसके लिए दिया गया था? ब्लू पॉटरी के लिए, और कब दिया गया? 1974 को। और क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार। और किसे दिया गया? कृपाल सिंह शेखावत को। थोड़े थोड़े प्रश्न याद करते जाओ और कहीं पर भी छूट ना जाए, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल है कि पन्नालाल शाह तालाब जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, वह किस जिले में है, तो आपको याद रखना है वह है झुंझुनू जिले में। अगला सवाल है कि मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक था, तो आपको याद रखना है यह लेखक थे नैनसी। ठीक है, नैनसी थे जो मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक था। ठीक है, लेखक थे कौन? नैनसी। अगला सवाल है कि बातों की फुलवारी का लेखक कौन था, तो आपको याद रखना है यह थे विजयदान देथा। ठीक है, विजयदान देथा थे जो बातों की फुलवारी के लेखक थे। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी, जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको याद रखना है वह थी अल्लाह जलाई बाई। ठीक है, अल्लाह जलाई बाई वह गायिका थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है कि कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, तो कहाँ पर पहना जाता है? कमर में। अगला सवाल है कि किस स्थान को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वह स्थान है मानगढ़। ठीक है, मानगढ़ को बागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अगला सवाल है कि सौभाग्य सागर तालाब किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है जोधपुर में। ठीक है, कौन सा तालाब? तो सौभाग्य सागर तालाब, कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अगला सवाल है कि लूणी नदी का उद्गम होता है, तो कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है। किसका उद्गम? लूणी नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है कि भैंस की नस्ल कौन सी है, तो आपको याद रखना है भैंस की नस्ल होती है मुर्रा। ठीक है, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा, इनमें से पूछ रहा है। ठीक है, तो भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, बाकी ये दूसरी नस्लें है। ठीक है, अगला सवाल है कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राम प्रसाद राज प्रसाद कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है उदयपुर में। तो क्या स्थित है? जग मंदिर राज प्रसाद कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बादला या वाटर बॉटल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है जोधपुर जिले से। अगला सवाल है कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित थे, तो आपको याद रखना है यह थे भवाई शैली से। ठीक है, भवाई शैली से संबंधित थे कौन? दयाराम। अगला सवाल है कि जोधपुर में स्थित बहुजी का तालाब को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है यह जाना जाता है स्वरूप सागर तालाब के नाम से। स्वरूप सागर तालाब के नाम से कौन जाना जाता है? बहुजी का तालाब। अगला सवाल है कि राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव
कहाँ आयोजित किया जाता है तो आपको याद रखना है, ऊँट उत्सव आयोजित किया जाता है बीकानेर में। ठीक है, कौन सा उत्सव? ऊँट उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बीकानेर में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है कि गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है सामूहिक नृत्य है वालर। ठीक है, वालर वह नृत्य है जो गरासियों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य एक एक सामूहिक नृत्य है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित थी? तो आपको याद रखना है यह संबंधित थी जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर जिले से संबंधित थी कौन? स्वतंत्र सेनानी सावित्री देवी भाटी। अगला सवाल है कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है भरतपुर जिले में। ठीक, कौन सा दुर्ग? तो लोहागढ़ दुर्ग। अगला सवाल है कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाले तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है यह किया जाता है कामड़। ठीक है, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। अगला सवाल है कि बाड़मेर जिले के किस स्थान पर गज सिंह और राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में स्वयंसेवी संगठन जल भागीरथी फाउंडेशन द्वारा जल पिरामिड का निर्माण किया गया है? तो आपको याद रखना है यह किया गया है रूप जी राजा बेरी। ठीक है, रूप जी राजा बेरी स्थान पर किया गया है, क्या किया गया है? पिरामिड का, जल पिरामिड का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? रूप जी राजा बेरी के स्थान पर। अगला सवाल है कि गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो आपको याद रखना है यह किया जाता है ऊँट का। ठीक है, ऊँट का श्रृंगार किया जाता है किससे? गोरबंद से। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है तो उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, सुमेलित युग्म, सॉरी युग कीजिए नहीं, सुमेलित युग्म है तो कौन से? तो तीनों ही सही है, जयपुर ढूंढाड़ सही है, जोधपुर मरु सही है और उदयपुर मेदपाट सही है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चों का गठन किया गया? तो आपको याद रखना है यह किया गया जयपुर में। ठीक है, जयपुर राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है मंडोर में। ठीक है, मंडोर में क्या स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की साल स्थित है कहाँ पर? मंडोर में। अगला सवाल है कि कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी है? तो आपको याद रखना है बाबूजी की अनुयायी है थोरी जनजाति। ठीक है, सॉरी थोरी जाति है जो बाबूजी की अनुयायी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।